यही फैक्ट्री कांग्रेस सरकार के समय लगी सी। कांग्रेस सरकार यह कही जाती भी असी लाई है, ऐसे नू आम आदमी पार्टी कही जाती है भी असी लाई है। जे देखा जाए लहरे के मुणक एरिए जाके हाले भी पराली किसान फूकन मजबूर ने, क्योंकि हुण उन्होंने इन्ने अगे कणक भी बीजनी है। अराउंड मोटा मोटा 30,000 एकड़ एरिया कवर करेंगे, जिसमें से हम पराली को इकट्ठी करेंगे। ये 30,000 एकड़ को इकट्ठा करने में अंदाज़ा 50 विलेजेस आसपास 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में हम कवर करेंगे। जे उन्होंने वेट करन वह कही जाते भी असं आवेंगे, परसों आवेंगे, चौथे आवेंगे, फिर उस तो बाद गठा बना के चले जाते हैं, हफ्ता वह नहीं चक्कन आते हैं भी। जे उन्होंने हफ्ता टपाता तो जी कणक की फसल लेट हो जानी है, इस करके उन्हों की मजबूरी है। हाले तक सानू उसकी कोई राहत नहीं हैगी, सिर्फ कागजा के बच्चे है, चाहे सरकार जो मर्जी कही जाए। हमारा मकसद यह है कि पराली जितनी हम इकट्ठी करेंगे उतनी पराली जलने से बचेगी, स्टबल बर्निंग कम होगी, जिससे जो प्रदूषण की समस्या है पंजाब दिल्ली सभी जगह कम हो सके। सवाल किया है भी जो पटाल कल एक बड़ी फैक्ट्री लगी है वह कि लाभ होना है, जिमें साडे आगू ने दसिया भी वो टाइम नाल पहुँचते नहीं है, 10-10 दिन 12-12 दिन, फिर वह अगला पक्ष यह भी है भी मशीनरी है जी घट्टो घट 7-8 बारी खेच जाती है। साढ़े किसानों का मनना है भी वह जमीन तो दिंदी है, पूरे भारत च एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री नाल की होगा। सरकार जिम्मे कह रही है भी असी मतलब कि बड़ी फैक्ट्री लाई है जितों बायोगैस बनूगी, तो किसानों की जी पराली है वह सारी पराली डेली यानी कि 37 टन पराली मतलब उतों फैक्ट्री में जरूरत है, तो उत्थे जाऊगी किसानों फूकनी नहीं पेगी। पर यही फैक्ट्री कांग्रेस सरकार के समय लगी सी। कांग्रेस सरकार यह कही जाती भी असी लाई है, ऐसे नू आम आदमी पार्टी कही जाती है भी असी लाई है, पर जे देखा जाए लहरे के मुणक एरिए जाके हाले भी पराली किसान फूकन मजबूर ने, क्योंकि हुण उन्होंने इन्ने अगे कणक भी बीजनी है। जे उन्होंने वेट करन वह कही जाते भी असं आवेंगे, परसों आवेंगे, चौथे आवेंगे, फिर उस तो बाद गठा बना के चले जाते हैं, हफ्ता वह नहीं चक्कन आते हैं भी। जे उन्होंने हफ्ता टपाता तो जी कणक की फसल लेट हो जानी है, इस करके उन्हों की मजबूरी है। हाले तक सानू उसकी कोई राहत नहीं हैगी, सिर्फ कागजा के बच्चे है, चाहे सरकार जो मर्जी कही जाए भी हुण कोई समस्या नहीं, किसानों नू पराली नहीं फूकनी पेगी, पर साडी मजबूरी है, असी नहीं पराली फूकना चाहते। जे सरकार कोई हल करे, पर वो एक फैक्ट्री नाल उहदा कोई हल नहीं हो रहा भी असी पराली ना फूकीए। हाँ जी, मेरा नाम पंकज जैन है जी। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो पराली का जो प्लांट है जिसे हम पैडी स्ट्रॉ कहते हैं, ये इंडिया का और एशिया का सबसे लार्जेस्ट प्लांट है जी। इसके अंदर हम पराली को यूज़ करते हैं, जो पराली की गट्ठे यूज़ करते हैं, राउंड बेले हम कहते हैं उसको, इनका जो वेट होता है जी 400 से 500 किलो का एक गट्ठ का वेट होता है। ये जो हमारा प्लांट की जो कैपेसिटी है हमारी 33 टन CBG गैस कंप्रेस्ड बायोगैस जिसे हम कहते हैं, वो उसकी कैपेसिटी है। हमारे प्लांट के दो प्रोडक्ट हैं, एक तो CBG जो 33 टन पर डे है, और दूसरी है फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जो आप देख सकते हैं सामने, ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक खाद है विदाउट एनी केमिकल। ये एक दिन में फुल स्केल पे 600 से 650 टन पर डे निकलिया करेगी हमारी। और पराली की बात करते हैं, जो पराली हमारा रॉ मटेरियल है जिससे हम गैस बनाते हैं, ये पराली हम पूरे अगर प्लांट फुल कैपेसिटी पर चला करेगा तो 1,00,000 टन एक साल की खपत है जी। 1,00,000 टन की जो खपत है आप मान सकते हो कि हम उसके अंदर जो एरिया कवर करेंगे, जिस अराउंड मोटा मोटा 30,000 एकड़ एरिया कवर करेंगे जिसमें से हम पराली को इकट्ठी करेंगे। ये 30,000 एकड़ को इकट्ठा करने में अंदाज़ा 50 विलेजेस आसपास 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में हम कवर करेंगे। शुरू में हमने दूर से भी कवरेज की है, जिसे हम बासमती कहते हैं, उसकी पराली भी हमने 35-40-50 किलोमीटर तक उसको भी किया है। और लेकिन हमारा मेन फोकस है कि आले दुआले के 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में जितनी मैक्सिमम पराली हम इकट्ठी कर सकते हैं, जिसमें हमारा मानना है कि 30,000 एकड़ का एरिया हम कवर करेंगे जी। इसके साथ जितनी हमारा मकसद यह है कि पराली जितनी हम इकट्ठी करेंगे उतनी पराली जलने से बचेगी, स्टबल बर्निंग कम होगी, जिससे जो प्रदूषण की समस्या है पंजाब दिल्ली सभी जगह कम हो सके। और प्रदूषित हवा जैसे आप जानते हैं कि सभी के लिए ख़राब है, तो हमारा प्लांट का मेन मकसद है कि हम एक स्वच्छ एनवायरनमेंट
जो दे सके, जो हमारे इंडिया गवर्नमेंट का भी विज़न है, पंजाब गवर्नमेंट का भी विज़न है, और हमारा जर्मनी जो हमारी वर्बी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका भी एक विज़न है।